असलम एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टुडे रेसिपीज़ चिकन शारमा इस रेसिपी के लिए फर्स्ट ऐप है चिकन मैरिनेशन इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन हाफ के जी वन टी स्पून सोया सॉस एंड वन टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वन टी स्पून चिल्ली सॉस वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और वन टी स्पून नमक हाफ टी स्पून हल्दी हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेरीनेशन सबसे पहले मैंने चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है उसके बाद सोया सॉस डाल दिया है अब हल्दी और साथ में धनिया पाउडर ऐड किया है उसके बाद नमक हसबे जायका और साथ में चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं अब एंड में इसमें जाएगा चिली सॉस अब हम इसे करेंगे मिक्सिंग तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसे रख दूँगी वन आवर के लिए और अब हम चलते हैं जब तक स्टेप नंबर टू की तरफ तो स्टेप नंबर टू है डो बनाना उसके लिए मैं लूँगी हाफ़ के जी मैदा तकरीबन चार कप और इसमें मैं डालूंगी थ्री टीस्पून योगर्ट वन टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने अब ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालती रहूंगी मैं और इसका अच्छा सा एक डो बना लेना है तो ये डो बन चुका है और मैं इसको भी आप रख दूँगी टू आवर्स के लिए और अब चलते हैं स्टेप नंबर थ्री की तरफ तो स्टेप नंबर थ्री में बनाएंगे हम सॉस इसमें मैं वाइट सॉस बना रही हूँ टू कप्स ऑफ योगर्ट लिया मैंने और इसमें तीन चार लहसुन छील के डाल दिए मैंने और साथ में वन टी इसमें जाएगा तिल के वाइट तिल जो होते हैं और मैं थोड़े से और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है वन टी नमक जाएगा अब अभी सारे मिक्सचर को मैं ग्राइंड करूँगी उसके लिए मैं इसमें ग्राइंडर में ऐड कर रही हूँ अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्राइंडर के अंदर अब ग्राइंड करने के बीच में मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ मैंने हाफ़ प्याज लिया था और इसे चॉप कर लिया था अब उसे भी ग्राइंड करूँगी अब मैं जब ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है उसमें डालूँगी मायूनीस एक कप तकरीबन पूरा पैकेट डाला है उसके बाद में इसको देखें ये मिक्स कर दिया है तो ये इतना थिक मिक्सचर बन गया है अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर इससे इसका टेस्ट जो है इनहेंस होगा अब टेस्टी वाइट सॉस तैयार हो गया जो कि शौर्मा का मेन इंग्रेडिएंट है और इसके बगैर शौरमा बिल्कुल अधूरा है तब हम चलेंगे स्टेप नंबर फोर की तरफ स्टेप नंबर फोर में हम सैलेड बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बंद गोभी ली थी उसे इस तरीके से कट कर लिया था और इसमें मैंने प्याज को भी इस तरीके से कट किया है और मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और ये सैलेड तैयार हो गई है आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं स्टेप नंबर फाइव में हम चिकन को कुक करेंगे जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं इसमें लूँगी टू टेबल स्पून ऑयल हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाऊँगी लाइट ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ उसमें और डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है फ्राई कर लेना ऑयल के अंदर अब इसे फ्राई करते रहना है टेन मिनट्स के लिए अब टेन मिनट्स चिकन को फ्राई कर लिया है मैंने अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टी सोया सॉस और फिर से इसको मिक्स करूँगी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए तो अब हमारा चिकन जो है अच्छे से पक गया है अब हम चलते हैं स्टेप नंबर सिक्स की तरफ स्टेप नंबर सिक्स है शारमा मेकिंग जिसमें अब हम बनाएंगे शारमा उसके लिए पहले मैं बनाऊँगी रोटियाँ तो वो इस तरीके से मैं रोटियाँ बना ली हैं अब हम बनाएंगे शारमा उसके लिए सबसे पहले आपने बटर पेपर लेना है इसे रखना है प्लेट के अंदर फिर आपने रोटी को लेके रखना है बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से और अब इस पे वाइट सॉस डालेंगे जो कि मैंने बनाना आपको सिखाया है तो इस तरीके से वाइट सॉस डाल देंगे अच्छे से इसको फैला लेंगे रोटी के ऊपर अब वाइट सॉस अच्छे से लग गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ सैलेड आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आप लोग को पसंद है इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिकन चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है सैलेड से अब चिकन भी मैंने ऐड कर दी है तो इसके बाद इसमें जाएगा सॉस दोबारा से अब सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं अब इसके बारी है फोल्ड होने की तो इस तरीके से बटर पेपर के साथ आपने इसको फोल्ड कर लेना है सो मज़ेदार चिकन शुआर में रेडी हैं आप सब मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आप लोग की रेसिपी कैसी बनी है थैंक यू अल्लाह हाफिज